इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने बहुत सोचा इस व्लॉग के बारे में, इस वीडियो के बारे में, और मैंने एक प्लान बनाया था, एक व्लॉग बनाने वाला था मैं, और वो व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे बहुत बार होता है कि आप कोई चीज़ सोचते हो और वो चीज़ हो नहीं पाती। मुझे पता है कि वीडियो की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव पॉइंट से हो रही है क्योंकि जो चीज़ मैंने सोची वो हुई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो का प्लान क्या था। एक्चुअल में वीडियो का भी प्लान नहीं था, ये कुछ हम दिल से करना चाहते थे। हमने सोचा था कि हम वेज पुलाव बनाएंगे और जो लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें बांटेंगे, लेकिन सुबह से बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। पूरा व्लॉग जो हम बनाने वाले थे, पूरा जो हम लोगों ने सोचा था कि जो चीज़ हम करने वाले हैं, सब रेडी था, लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि जो लोग आने वाले थे वो आ नहीं पाए। मैं अकेले कर लेता, लेकिन जब लोग एक एक करके पीछे हटे तो बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ। लेकिन मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो रेडी थे आने के लिए, लेकिन बारिश में हम जाते कहाँ, तो इसके वजह से प्लान कैंसिल हो गया। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है जो मेरे मन में आया, मैंने सोचा यार कि हमें किसी की मदद करने के लिए कोई भी दिन या फिर त्यौहार की ज़रूरत नहीं है, जब दिल करे तब कर लो आप, तब अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे जब दिल में आएगा। तो ऐसी कुछ बात है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, होता रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, हो सकता है किसी को अच्छा लगे। हमें आज 74 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस मिले, और फिर भी हम में से कुछ लोगों की जो सोच है वो अभी भी वही अटकी है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत करप्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव साइड को ना देखकर पॉजिटिव साइड को भी देखें। अगर 2% लोग कुछ ऐसी वैसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं या फिर सोचते हैं कि वो करने से कुछ गलत नहीं होता, तो जो बाकी के 98% लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, वो रेप के अगेंस्ट है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ होता है तो लोग अपनी जान पे खेल के सामने वाले की जान बचाते हैं, जैसे कि 2012 में निर्भया केस में हुआ था। उसमें जो लड़का था अविंद्र प्रताप, उसने अपने जान पे खेल के उस लड़की को बचाने की कोशिश की। तो मेरे लिए वो असली हीरो है। जो एक्टर्स होते हैं सीरियल में एक्ट करते हैं, मूवीज़ में एक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में हीरो नहीं है, वो एक जॉब कर रहे हैं, उनकी वो जॉब है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो रियल हीरोज़ है वो है अगर सड़क पे किसी लड़की को छेड़ते हुए दिख जाए और वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की की मदद करे। बॉर्डर पे खड़ा हुआ हर एक सिपाही, हर एक सोल्जर, वो मेरे लिए असली हीरो है। वो वहाँ पे अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाते हैं, अपने देश को बचाते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। हर एक नए दिन हमें रेप केसेस के बारे में जानने मिलता है, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ, आधे से ज़्यादा लोग तो शेयर भी नहीं करते, जो स्टोरीज हम तक पहुँचती भी नहीं। मुझे नहीं पता ये सब चेंज कब होगा, लोगों की सोच कब बदलेगी, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अपनी सोच बदलो और अगर ऐसा कुछ आपको पता चलता है तो आप उस पर एक्शन लो बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कि यार ये मेरी बहन थोड़ी है तो मैं क्यों उसके लिए लड़ूं। तो बस इसी सोच को बदलना है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देख के किसी एक की सोच भी बदलती और ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो बस ये वीडियो के सारे पैसे वसूल है। और मेरी रिस्पेक्ट है उन सोल्जर्स के लिए, उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो रात भर जागते हैं और हमारी सेवा करते हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनमें से बहुत लोग करप्ट भी रहते हैं, तो भाई दुनिया में सिर्फ करप्ट लोग ही नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बस हमारा नज़रिया सही होना चाहिए और हमारी सोच। और बस वीडियो पसंद आती है तो लाइक डिसलाइक आपके हाथों में, आई होप कि इस मैसेज से कोई इंस्पायर हो, और बस यही मेरा मोटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।